इधर उत्तर प्रदेश पुलिस अवैध हथियार का उपयोग करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके भी जालौन में खुलेआम फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जो कि तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फायरिंग करने का वीडियो रेंढर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शरीफ ज शरीफ छोड़ दे खाते बदमाश के रे पैर तोड़ दे छत के ममार सी के फेर लाल ले तेरे जिसे वाली चुरा हाथ जोड़ दे। ये जो आप वायरल हो रहा वीडियो बता रहे हैं, ये काफी पुराना मामला है, इसकी जांच कराई गई। काफी सालों पुराना मामला है, फिर भी जो वीडियो में वायरल हुआ है, जो लोग हैं उनको पुलिस बुलाएगी और तहकीकात करेगी और आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। सर ये वीडियो कहाँ का है? ये थाना रेंडर क्षेत्र का वीडियो अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में पता लग गया है, थाना रेंडर क्षेत्र का है, पुराना वीडियो है। फिर भी जो लोग इस पर दिखाए गए हैं उनको बुला के पूछताछ करके उनके खिलाफ। जैसा कि देखा गया है कि सारे देसी इकट्ठे हैं, तो क्या इनको बरामद किया गया? बहुत पुराना वीडियो बताया जा रहा है। पहले उन लोगों को जो वीडियो में दिखाए दे रहे हैं उनकी जाँच कर ली जाए, उनको पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो सच्चाई होगी उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी।